डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की स्टडी करी। आज हम शुरुआत इससे करेंगे कि एक जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की क्या होती है। तो हम यहां लिखेंगे जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अर्थात पॉलिनोमियल्स बहुपद का सामान्य प्रारूप, सामान्य रूप क्या होता है। तो यहां अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को ले तो उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। अब हम यहीं से इसे समझते हुए चलेंगे क्या कि ए क्या है। ए एक रियल नंबर है। ए यह एक कॉन्स्टेंट भी कहला सकता है और ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। यहां एक्स क्या है, यह एक्स है वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है। इसकी पावर कितनी है, इसकी जो पावर है वह वन है। अब सबसे बड़ी बात यहां इस फर्स्ट टर्म में ध्यान रखने योग्य है वो ये है, नोट करेंगे आप, नोट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसका लॉजिक बता रहे, क्योंकि जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो। किसी भी नंबर से या इंग्लिश अल्फाबेट से जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास में जीरो आता है। और जैसे ही यहां जीरो आएगा तो ये तो बी रह जाएगा, इसके साथ में वेरिएबल तो हुआ ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल कैसे होगा, ये एलजेब्रा का तो रूप हुआ नहीं, वो तो अर्थमेटिक का बन गया। और ये जो बी है ये कहलाता है कॉन्स्टेंट टर्म। ये क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट टर्म। यस स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर, वेरी गुड। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां ए बी और सी तीनों क्या है, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज। क्या है ये, कॉन्स्टेंट वैल्यूज। और ये जो एक्स है और ये एक्स है ये दोनों मिलकर बनते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल हुए तो यहां इसका जो जनरल फॉर्म है वह यह हुआ। बाकी चीज इसी प्रकार से होगी। क्या होगी इसमें कि ये समझने के लिए ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज ए कॉन्स्टेंट टर्म। ये हमें ध्यान में रखना है। और साथ में हमें नोट यह लगाना है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा
तो यहां x की पावर 2 लेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर इसके बाद में हम आपको बताते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस बी। यहां पर भी ये चीज ध्यान रखी है कि ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, सी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी इज ए कॉन्स्टेंट टर्म। एंड नॉट हमने यहां लगाया, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको हम 0 कर देते हैं ए को, तो ये 0 आ जाएगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरह से यहां ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह, डी की जगह, हमेशा ध्यान में आप रखना कि ऐसे पॉलिनोमियल्स में आपको ए की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, बी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, सी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, डी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, वो आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा। अब यहां आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम केवल जो फोकस इस लेसन में करेंगे वो करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के संबंध में, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम आपको जानकारी देंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो क्या होता है? इफ वी हैव ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल देन इफ वी पुट the numeric value of given variable and solve the equation or polynomial and we find two zeros regarding this and we find
finally zero as a result, then we say that the value of variable is called zero of that polynomial. इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा. हमने यहां लिखा जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यदि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बहुपद पर काम कर रहे हैं और उसका वेरिएबल हमें मालूम है तथा उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमें दी गई है कि x की वैल्यू 5 या x की वैल्यू 3 या x की वैल्यू 4, वो न्यूमेरिक वैल्यू यदि हम उसे उस न्यूमेरिक वैल्यू को वेरिएबल के स्थान पर लिख देते हैं, वेरिएबल के स्थान पर लिख देते तथा उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर यदि हमें जीरो लास्ट में रिजल्ट मिलता है तो वह वैल्यू जो हमने एक्स वेरिएबल के लिए, हम यह कहेंगे कि वही उस पॉलिनोमियल की के लिए वह वैल्यू जीरो के इक्विवेलेंट है. तो इस तरीके से if we have a quadratic polynomial and value of given variable, then if we put the numeric value of given variable and solve the equation or polynomial and we find finally zero as a result, then we say that the value of variable is called zero of that पॉलिनोमियल. तो इस तरह से यदि हमारे पास में 3 या 4 या 5 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू रखने पर एक्स की जगह जीरो फाइनली आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वह 3 या 4 या 5 वह जीरो के इक्विवेलेंट है या उस पॉलिनोमियल का जीरो वह कहलाएगा. आप यहां पर इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा. वापस बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें पॉलिनोमियल अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा और हमें कहा गया होगा फाइंड द जीरोज. देखिए जीरो नहीं, फाइंड द जीरोज ऑफ That polynomial. इसका मतलब एक से अधिक जीरो वहां आने हैं. इन केस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद में 2 जीरो आएंगे. आगे अगले वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे और उसके बाद उन जीरोज का कॉफिशियंट से क्या रिलेशन है वह भी बताएंगे. लेकिन हाँ ये यहां एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा आप, ये आगे वाली चीज समझे उसके पहले जरूरी है कि आपको फैक्टराइजेशन आए. इसलिए इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद यदि आपका फैक्टराइजेशन का पार्ट थोड़ा कमजोर हो तो प्लीज आप उस फैक्टराइजेशन के पार्ट को थोड़ा सा एलजेब्रा में जो फैक्टराइजेशन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि अगला पार्ट वीडियो का आपको अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू.